जब भी आप कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको लोन आसानी के साथ मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड भी आपको आसानी के साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है तब आपको लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और क्रेडिट कार्ड तो मिलता ही नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सिविल स्कोर क्या भला है, ये कैसे चेक किया जाता है, सिविल स्कोर बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। सिविल स्कोर एक स्कोर होता है, जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपको अच्छे नंबर्स मिलते हैं और उससे आपका एक स्कोर बनता है। तो इसी तरीके से फाइनेंस में जब आप कोई लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड लेकर उसका पेमेंट टाइम पर करते हैं, आप ईएमआई को टाइम पर पे करते हैं तो उससे आपका एक स्कोर बनता है, उसी स्कोर को कहा जाता है सिविल स्कोर। अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो अच्छा सिविल स्कोर बनता है और अगर आप टाइम पर पे नहीं करते, ड्यू कर देते हैं, तब आपका ख़राब सिविल स्कोर बनता है। तो कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेकर जब आप टाइम पर पे करते हैं तो उससे जो स्कोर बनता है उसे ही कहा जाता है सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। चलिए हम बात करते हैं कि सिविल स्कोर को आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पैसा बाजार एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप इसको डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। अगर आपके सामने ऐसी कोई स्क्रीन आती है तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज कर लीजिए, यहाँ पर अपना फुल नेम डाल दीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ पर पिन और सिटी, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा और एक ईमेल आईडी डालनी होगी। यहाँ पर अपना पैन नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ कंसेंट देनी है और इसके बाद गेट क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर आ जाएगा। यहाँ पर तीन कंपनीज है जो आपका सिविल स्कोर बताती है। पहली है यहाँ पर सिबिल, जिसके अकॉर्डिंग मेरा सिविल स्कोर है 784। दूसरी है यहाँ पर एक्सपीरियन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मेरा सिविल स्कोर है 829। और यहाँ पर तीसरी है CRIF, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मेरा सिविल स्कोर है 780। आपका सिविल स्कोर कैसे बना है, आप यहाँ चेक क्रेडिट फैक्टर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर देखिए पेमेंट हिस्ट्री मेरी 100% रही है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का बिल हो या कोई ईएमआई मैंने टाइम पर पे की है। दूसरा है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, इसके हिसाब से भी यहाँ पर मुझे हाई इम्पैक्ट मिला है। क्रेडिट हिस्ट्री भी यहाँ पर काफी मायने रखती है कि आप कितने टाइम से लोन पे कर रहे हैं या कितने टाइम से आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो मेरा स्टेटस है यहाँ पर 2 ईयर 5 मंथ्स। नीचे अगर आप चाहें तो डिटेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास एक SBI कार्ड है, एक्टिव है, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो भी एक्टिव है, TVS क्रेडिट सर्विस यानी कि एक व्हीकल ली हुई है लोन पर, तो देखिए उसकी भी 0 मिस्ड पेमेंट है, और एक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड और है, वो भी एक्टिव है। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है, हम PDF रीडर चूज करेंगे। आपकी जो फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही इसका पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे सिविल स्कोर की रिपोर्ट है, सिविल स्कोर है 780। तो ये एक तरीका है अपना सिविल स्कोर चेक करने का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और साथ ही रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपना सिविल स्कोर हम कैसे बना सकते हैं। सिविल स्कोर बनाने के लिए आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा और उसका पेमेंट करने के बेस पर ही आपका सिविल स्कोर बनेगा। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट में आप ज्यादा लेन देन करिए। जैसे ही उसमें आप ज्यादा लेन देन करना शुरू करेंगे तो आपका बैंक आपको आसानी के साथ बिना किसी सिविल स्कोर के एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देगा। और काफी सारे बैंक्स तो ऐसे हैं जो अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं, जैसे कि HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको अकाउंट के साथ ही एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए। एक बार जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो आप उससे पैसे खर्च करिए और उनको टाइम पर पे करिए, तो इससे आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। एक बार जब आपका सिविल स्कोर बन जाता है तो उसके बाद आप किसी भी बैंक का
क्रेडिट कार्ड काफी आसानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड काफी आसानी के साथ ले सकते हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर मॉल्स में, मेट्रो स्टेशन पर SBI कार्ड के एजेंट बैठे होते हैं। आप उनको डिटेल्स देंगे, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे और इसके बाद वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें सबसे आसान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि सिबिल स्कोर हर महीने जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो आप फिर से कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लीजिए और उसको टाइम पर पे करिए। जैसे आप टाइम पर पे करते रहेंगे तो फिर से आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा। सिबिल स्कोर हर महीने चेंज होता है, हर महीने आप उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन से या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं या रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, अपने मोबाइल फोन पर फ्री में सिबिल स्कोर कैसे चेक करते हैं और अपना सिबिल स्कोर कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।